लड़की, तूने मेरे बेटे से शादी कर तो ली है, लेकिन एक बात याद रखना, ना तू मेरे किशन की बीवी बन सकती है, ना इस घर की बहू। गुड मॉर्निंग भाई, आज होगा 2020 का फाइनल, भारत और पाकिस्तान मिलेंगे आज। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लगता है मतलब? हम जीतेंगे, अच्छी गोलियां थोड़ी खेली हैं। लीजिए चाय पीजिए। हाँ बाबू जी पक्का। कोहली वन डाउन आता है ना, आज भी अगर वन डाउन आया उड़ा के रख देगा। नमस्ते चचा। अरे रुपाली बेटा कैसे हो? अच्छी हूँ। आज हमारे पार्लर का उद्घाटन है, जरूर आइएगा। पक्का? आप सब भी आइएगा। हाँ भाजी पक्का। हम सब तो आएंगे ही, पर तेरे सास ससुर और पति भी आएंगे क्या? तो तू अच्छी है, लेकिन ये लाली लिपस्टिक लगा के तो अपने दांत छिपा सकती है, अपनी औकात नहीं छिपा पाएगी। माँ जी आप चाहे जो परीक्षा ले लो, लेकिन बहू और बीवी का हक नहीं छीन पाएंगी। हम हमेशा से किशन जी के थे, किशन जी के हैं और किशन जी के ही रहेंगे। क्या हुआ रूपाली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही ना कि वो लोग आएंगे कि नहीं। हमें पूरा यकीन है किशन जी माँ बाबा को लेकर जरूर आएंगे। चल रूपाली, चल चल। अच्छा हम चलते हैं, जरूर आइएगा आप सब भी। वाह यार, तेरे मोहल्ले वाले तो बड़े दिल से दुआ देते हैं, लेकिन तेरे ससुराल वाले बद्दुआ। आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, जिसकी शुरुआत आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी है। हाँ ठीक है, बस बस। किशन जी आप मां और बाबूजी को लेकर जरूर आइएगा। कोई नहीं आएगा, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं बद्दुआ देंगे कि तुम कभी लौट कर चौखट पर ना आओ, तुम पर ऐसी बिजली गिरे कि तुम जलकर राख हो जाओ। कहते हैं कि इस दुनिया में दुखी वही रहता है जो इस बात से चिंतित होता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन इंसान गैरों के ताने भले ही नजरअंदाज कर दे, पर अपने करीबियों की अवहेलना सहकर कोई कैसे खुश रह सकता है। आज का ये केस रूपाली की जिंदगी के उस अध्याय से शुरू होता है जिसमें रूपाली भले ही अपने परिवार का तिरस्कार सहते नजर आती है, लेकिन उसका समाज उसे एक खास तरह का सम्मान देता है। यूं तो दर्द सहकर खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा सहना उस हद से कम खतरनाक नहीं जो किसी को अपराध करने के लिए उकसा देती है तो किसी को अपराध का शिकार बना देती है। रूपाली। अरे अरे हम भी तो यहाँ के पार्टनर है ना। अरे हाँ, हमारी होम मिनिस्टर, आप भी आइए। चलिए माँ भैया आइए ना। हाँ काटो का। आइए आइए। आज हमारे पार्लर के इनॉग्रेशन पर हम और हमारे पार्टनर रेशमा और आदित्य
आप सबके आभारी हैं जो आप हमारी खुशी में शामिल हुए। आइए ना, अंदर आइए, चलिए आइए, ये देखिए। अरे वाह, तुम्हारा पार्लर तो बहुत ही खूबसूरत है बेटा। माँ, आज अगर पापा होते तो उन्हें हम पे गर्व होता ना। बेटा, तुम्हारे पापा जहाँ भी हैं वो तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, वो सब छोड़, तेरी सास ससुर नहीं आए और दामाद जी? वो भले ना आए हो लेकिन उनकी दुआ हमारे साथ है। दुआ या बद्दुआ? रूपाली, ज्यादा सहनशील बनने की प्रैक्टिस मत कर, तलाक दे दे किशन को। भैया, हमारे यहाँ सिर्फ बोलने से तलाक नहीं होता, रिश्ते वचनों से बड़े माने जाते हैं। हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए ना सही, लेकिन इस जन्म में हम केवल किशन जी के हैं। श्री गणेश तो प्रीका था, पर कल से श्री लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। सब होगा रेशमा, कीप द फेथ। अरे क्यों नहीं होगा, रूपाली इतना पॉजिटिव जो सोचती है। चलो चलो। आज इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है 11 बज गए हैं। अरे यार, हम तो भूल ही गए, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। चलो चलो यार, जल्दी निकलते हैं। रूपाली, तू भी चलना हमारे साथ, आदित्य वैसे भी ट्रिपल राइडिंग में एक्सपर्ट है। ट्रिपल राइडिंग? नहीं नहीं, इलीगल होगा ना। तुम लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे। ओके, तुम भी यार रूपाली, चलो बाय बाय बाय। तुम नहीं मान रहे थे। अरे भाई सुनो, इंडिया मैच जीत गया, मिठाई लेके आओ। लाते हैं, फिर ला रहे हैं, लीजिए मिठाई खाइए। अरे बल्लेबाजी। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, हाथ में जरा सी मोच आ गई। अच्छा लो मिठाई खा लो। हमको भी खिलाओ भाई। अली जी खाइए। हम बोले थे ना इंडिया जीतेगी, जीत गई ना। हम भी जीत काली है ना। जय हो काली मैया की। खुश रहो। हम बोले थे। हाँ, और आशीष नेहरा को मिलेगा मैन ऑफ द मैच, 10 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट लिया है। सचिन तेंदुलकर को मिलेगा 85 रन बनाए हैं और वो भी बहुत फास्ट। अरे नहीं 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 नहीं, अरे अंकल, अरे सचिन को मिलेगा भाई 85 रन बनाया है लड़का। अरे वाह बेटा वाह, चाय लेके आगे। अरे बेटा रूपाली तू बता, मैन ऑफ द मैच किसे मिलेगा? लीजिए बता बता बता। अनडाउटेडली सचिन। अरे नहीं 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 अंकल, इसकी बात नहीं मानी जाएगी, ये तो आपके घर जाने वाली है इसलिए आपकी तरह की बातें कर रही है। क्यों पापा? मम्मी देख रही हो, अभी से ये हाल है। अरे समझे बेटा, इसके पैदा होते ही तुम्हारे पापा को बोल दिया था कि रूपाली तो बस हमारे घर की बहू बनेगी। लीजिए वो मीठा कीजिए। खाओ भाई खाओ। Oh, my God.
हटिए सामने से, हटिए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, रूपाली, रूपाली। आप लोगों में से फोन किसने किया था? सर, हमने कॉल किया था। हम और हमारी पत्नी रेशमा इस रास्ते से हमारे पार्लर जा रहे थे, तो यहाँ देखा बहुत भीड़ लगी थी लोगों की। वहाँ जाके देखा तो रूपाली की लाश वहाँ पे पड़ी थी साहब। आप लोगों का पार्लर है कहाँ पर? सर, दो गली छोड़ के। रूपाली भी हमारे पार्लर में पार्टनर थी। कल ही इनॉग्रेशन था सर। हमें तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये है कौन। फिर इसका पर्स वगैरह देखा तो पता लगा कि ये रूपाली है। फिर आपको और उसके माँ और भाई को फोन किया। इनके गले से हमें एक मंगलसूत्र मिला है। क्या रूपाली शादीशुदा थी? जी साहब, साहब उसके ससुराल वाले बहुत ही खराब लोग हैं साहब। उन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची की जान ली। ये रूपाली का पति कहाँ है और ससुराल में कौन कौन है उसके? सर, इसके पति का नाम किशन गुप्ता, इसके सास ससुर का प्रेमलता और ब्रजेश गुप्ता, यही कृष्णा नगर में रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग सर यही मुकुंदपुरा में रहते। रूपाली का ससुराल कृष्णा नगर में, घर मुकुंदपुरा में और सैलून शास्त्री नगर में। हाँ सर। और आप लोग कहाँ रहते हैं? सर, हम लोग तो शास्त्री नगर में रहते हैं, पार्लर के थोड़ा आगे। कल 8 बजे पार्लर बंद होने के बाद रूपाली अपने ससुराल चली गई थी। रूपाली, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे बाप ने मारा। किसने क्या किया हम देख लेंगे, हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक मिनट, पांडे ध्यान रखना, झगड़े नहीं। सर लगता है मर्डर कहीं और हुआ और लाश को यहाँ पे लाके जलाया गया। शर्मा, रूपाली के फ्रेंड्स का कहना है कि रूपाली सैलून से ससुराल जाने के लिए निकली थी। ये ससुराल से सैलून तक के रास्ते में अच्छी तरह से पूछताछ करो और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। सर, सर हम सच कह रहे हैं, कल रात को रूपाली घर नहीं आई थी। आपको चाहिए तो आप घर की तलाशी लेके देख सकते हैं। अब सर, ना तो हम लोगों ने रूपाली का मर्डर किया है और ना ही रूपाली के मर्डर से हमारा कोई लेना देना है सर। लेकिन रूपाली से तो लेना देना है। बहू कल रात को घर नहीं आई और आप लोग सोते रहे। नहीं सर, कल रात 11 बजे जब रूपाली घर नहीं आई, हमने उसके मोबाइल पे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। हमें लगा कि पार्लर के इनॉग्रेशन के बाद वो शायद अपने दोस्तों के घर ही रुक गई। दोस्त मतलब रेशमा और आदित्य? जी। उन्हीं दोस्तों का कहना है कि रूपाली कल रात पार्लर से 8 बजे घर के लिए निकल गई। साहब, हो सकता कि वो अपने मायके चली गई होगी। रूपाली हर बात हमें थोड़ी ना बताती थी। नहीं साहब, रूपाली कल हमारे यहाँ नहीं आई थी, बल्कि कल उसके पार्लर का इनॉग्रेशन था, वहीं हम मिले थे उससे। क्या रूपाली के ससुराल वाले आए थे इनॉग्रेशन में? नहीं साहब, हम नहीं गए थे, हमें उसका पार्लर खोना पसंद नहीं था। साहब एक बात बताइए, अब हमारे घर की बहू घर की मर्यादा लांघ के करे, अच्छा लगता है? हमारे घर खानदान में तो कभी किसी औरत ने ऐसा किया नहीं। मतलब आप लोग रूपाली से नाखुश थे? लेकिन उसके मरने का भी बहुत दुख है। सैलों से निकलने के बाद रूपाली किसके अपराध का शिकार हुई, इसका सुराग न फिलहाल रूपाली के ससुराल वाले घर से मिला और ना ही सैलों से। लेकिन जो बयान सामने आ रहे थे वो रूपाली के ससुराल वालों को ही सस्पेक्ट बना रहे थे। सर, रूपाली जब से बहू बनकर गुप्ता परिवार में आई है ना, उन्होंने उसका जीना हराम कर रखा था। रोजाना उनके घर से झगड़े, मारपीट, यही आवाजें आती थी। मैम, ये तो ये रूपाली की सास उसे रोज जलीकट्टी सुनाती है। अरे कब तक हमारी छाती पे बैठकर मूंग दलोगी, मर क्यों नहीं जाती? माना कि रूपाली की हमारी नहीं बनती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको मारा है साहब। लेकिन कल रात 8 बजे से आज सुबह तक कहाँ थे आप लोग? हम लोग घर पे ही थे सर। हाँ साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे। अब साहब, इस बीच में रूपाली के साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ क्या किया, बिल्कुल अंदाजा नहीं है सर। सर, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की वजह से रास्तों पे हलचल कम थी। क्राइम सीन और आसपास के एरिया में कोई विटनेस तो नहीं मिला, लेकिन रूपाली की माँ, भाई, पड़ोसी सब रूपाली के ससुराल वालों पे शक जता रहे हैं, लेकिन उनके घर से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला जिससे शक पुख्ता हो जाए। लेकिन शर्मा, एक बात तो तय है, रूपाली की हत्या लूट के इरादे से नहीं की गई है, क्योंकि डेड बॉडी से जेवर और कंगन बरामद हुए।
अब सवाल ये उठता है कि रूपाली की हत्या उसे जिंदा जला के की गई या उसे मार के जलाया गया। ये रूपाली के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। उसके ससुराल वालों के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो कि कहीं ऐसा तो नहीं इस कांड को अंजाम देने के लिए उन्होंने किसी को हायर किया हो। सर किशन और रूपाली बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पति पत्नी बनने से पहले उनका रिश्ता प्यार और विश्वास के हर इम्तिहान से गुजर चुका था। पर यह अक्सर देखा गया है कि जब प्यार करने वाले पति पत्नी बनते हैं तो उनके बीच में वो पहले जैसी बात नहीं रहती। माना कि प्यार करने वाले गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन क्या किशन और रूपाली का रिश्ता किसी गलतफहमी का शिकार था? आखिर क्या वजह थी जो किशन इस इम्तिहान से गुजर रहा था कि उसे उस लड़की की हत्या का सस्पेक्ट समझा जा रहा था जिसके साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी। कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, लेकिन हाथ थामने वालों पर उंगली उठाने से पहले उनके रिश्ते को बारीकी से समझना जरूरी है। और ये जानने के लिए पुलिस रूपाली की माँ और भाई से दोबारा मिली। 5 साल पहले तक हमारे और किशन के परिवार के बीच में कभी कोई मनमुटाव नहीं था साहब। किशन के पिता और रूपाली के पिता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, बल्कि किशन के माता पिता ही चाहते थे कि रूपाली उनके घर की बहू बने। रूपाली के पिता के देहांत के बाद उन लोगों का रवैया बिल्कुल बदल गया साहब। संजय ने पढ़ाई छोड़ के अपने पिता का काम संभाल लिया और किशन ने अपना MBA पूरा कर लिया, और उसके MBA पूरा करते ही उनका आर्थिक स्थिति बदल गया साहब। हमसे दुगना हो गया, और उसके बाद किशन के माता पिता उनका गुरूर 7वें आसमान पे पहुंच गया साहब। अरे समधन जी, इस बार तो बहुत दिनों के बाद आई आप, ये लीजिए पानी पीजिए। अच्छा सुना है जो आपने घर लिया है वो बहुत बड़ा और खूबसूरत भी है। हाँ सब कुछ इतना जल्दी में हुआ ना कि आपको बुलाना याद ही नहीं रहा। पूरे 70 लाख का खरीदा है, किशन ने लोन पर लिया है, अपने पापा से तो 1 रुपये भी नहीं मांगा उसने। 60,000 रुपये महीना किस्त भरना होगा, हमें तो बहुत फिकर हो रही है। फिकर की क्या बात है, जिसके पास किशन जैसा बेटा हो तो फिर। हाँ वो तो है, अब वो क्या है ना कि 2 साल के बाद किशन के पापा रिटायर हो जाएंगे और फिर सारा दबाव हमारे किशन के ऊपर ही आ जाएगा ना। फिर एक दिन पता चला साहब कि वो लोग हमारी रूपाली के बजाय किशन के लिए कोई और लड़की देख रहे हैं जहाँ से उन्हें मोटा दहेज मिल सके, और फिर किशन भी हमारी रूपाली को नजरअंदाज करने लगा। किशन 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 क्या हो गया माँ? किशन हेलो किशन, हम तुम्हें आवाज देते रहे और तुम बिना देखे चले गए। ओह सॉरी, वो हम जल्दी में थे इसलिए तुम्हें देखा नहीं शायद। बाद में बात करते तुमसे। हमें विश भी नहीं करोगे? आज बर्थडे है हमारा, कल रात 12 बजे से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं और तुमने एक मैसेज तक नहीं किया। सॉरी, वो हम गिफ्ट भिजवाते तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। पर किशन, हेलो किशन। बेटा हमारी बात ना, अब भी वक्त है, भूल जा किशन को। नहीं माँ, शायद किशन हमारी किसी बात से हर्ट है, हम उनसे मिलकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेंगे। बेटा कोई गलत फहमी नहीं है, वो जानबूझ के तुझे नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम किसी और से शादी नहीं करना चाहते। तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों ढूंढ रही है, क्या अब हम तुम्हें पसंद नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम हमसे शादी करोगे ना? रूपाली वो हम शादी नहीं करना चाहते। लेकिन तुम तो हमसे शादी करने के लिए बेचैन थे ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हमसे रिलेशन बनाने के लिए
हम झूठ बोलते रहे। रूपाली से किशन की बेरुखी देखी नहीं गई साहब, और उसने एक दिन आत्महत्या करने की कोशिश की। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। रूपाली ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके ससुराल वालों को यह डर हो गया साहब कि कहीं हम उनके ऊपर पुलिस केस ना करते, और इसी डर के मारे उन लोगों ने रूपाली और किशन की शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन साहब, शादी के बाद भी उन लोगों ने हमारी बच्ची को चैन और सुकून की सांस नहीं लेने दी, और आखिरकार मेरी बच्ची की जान ले ली साहब, हमारी बच्ची की जान ले ली, हमारी बच्ची की जान ले ली। आपने बताया रूपाली और किशन शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या वाकई किशन रूपाली से प्यार करता था या वो अपने पेरेंट्स की तरह रूपाली को धोखा दे रहा था? किशन बहुत कम बात किया करता था, लेकिन उन दोनों को देख के यही लगता था साहब कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शादी के बाद किशन ने कभी भी रूपाली के लिए स्टैंड नहीं लिया सर। किशन, क्या सोच रहे बेटा? नहीं, कुछ नहीं। शर्मा, ये रूपाली के पति किशन की हिस्ट्री निकालो, हो सकता है वो रूपाली के बजाय किसी और से शादी करना चाहता हो। सुसाइड अटेम्प्ट से डर के उसने रूपाली से शादी तो कर ली, लेकिन बाद में उसने उसे रास्ते से ही हटा दिया। रूपाली की माँ का बयान जो किशन के लिए राय अख्तियार कर रहा था, उससे अब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या रूपाली वाकई सही से किशन को समझ पाई थी, और अपने माता पिता की तरह क्या किशन भी रूपाली से शादी करके नाखुश था। किशन के अफेयर से लेकर किशन के माता पिता के लालच से जुड़े एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, और इस केस में अभी ऐसे कई और एंगल जुड़ने वाले थे जो परत दर परत रूपाली की जिंदगी के नए अध्याय खोलने वाले थे। हम जब भी रूपाली के घर जाते थे, वहाँ कोई ना कोई तमाशा लगा ही रहता था। क्या हो गया इसको? रूपाली, तू ठीक तो है ना? अरे ठीक ही होगी, इसको क्या हो गया है? देखो जरा, अरे हमने नहीं मारा इसको। सच क्या है हम जानते हैं प्रेमलता जी, भगवान से डरिए जरा, उसका चेहरा बता रहा है कि आप लोग उसके साथ क्या क्या ज्यादती करते हैं। रूपाली, तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ, हम सब पुलिस को कंप्लेन करेंगे। नहीं रेशमा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, हम ठीक हैं। लेकिन रूपाली, ये रूपाली के साथ उसकी सास ही मारपीट करती थी या उसका पति किशन भी उसके साथ मारपीट करता था? सर, बंद दरवाजे के पीछे क्या होता था ये तो भगवान ही जाने, लेकिन रूपाली ने कभी अपने पति किशन के खिलाफ कुछ नहीं कहा, और ना ही अपने सास ससुर के खिलाफ। रूपाली को कब से जानती हो? 2 साल से। पहले हम दोनों एक सलून में साथ में काम करते थे सर, उसकी सास वहाँ पर आके भी तमाशा करती थी। रूपाली, तुम अभी तक यहीं, चलो घर। क्या हुआ माता जी? क्या हुआ, जब तुमको बोला था इसको नौकरी पर मत रखो तो क्यों रखा है? तुमको तनख्वाह देती है ये? लेकिन माता जी, रूपाली हमारी बहुत अच्छी वर्कर है, और आप समझिए ना बात को, आजकल तो सभी लड़कियां जॉब करती हैं। बस हमें मत पढ़ाओ, हम जानते हैं यहाँ नौकरी करने नहीं आती, बल्कि हमारे खिलाफ 2 की 4 भड़काने आती, बातें बनाने आती है। ऐसा कुछ नहीं माता जी। क्या माजी, माजी जी, आप क्या बढ़िया आंटी जी। सर, उस दिन के बाद रूपाली दोबारा जॉब पर नहीं आई। हाँ, अभी 15-20 दिन पहले वो आई थी अपने पार्लर के इनॉग्रेशन का इन्विटेशन लेके। आइएगा जरूर। हम तो हैरान थे सर कि जिस लड़की के ससुराल वालों ने उसे हमारे पार्लर में जॉब नहीं करने दी, उस लड़की ने रेशमा के साथ मिलकर खुद का पार्लर कैसे खोल लिया। माना कि जगह किराए की है, लेकिन सैलून बनाने में लागत तो काफी आई होगी। जी सर, लगभग 12 लाख खर्च हुए सर। इसका मतलब रूपाली ने 6 लाख रुपए दिए थे? नहीं सर, 6 लाख नहीं, 4 लाख दिए थे। एक्चुअली सर, इस पार्लर के 3 पार्टनर्स हैं, हम, हमारे पति आदित्य और रूपाली। रूपाली के पास इतने पैसे, मतलब 4 लाख रुपए थे उसके पास? जी सर, तभी जाके तो ये पार्लर बना है सर।
सर हम लोग रूपाली के ब्यूटी पार्लर खोलने के खिलाफ थे, तो हम ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए 4 लाख रुपए क्यों देंगे उसे? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? शायद उसके भाई ने दिए होंगे, वही उसको हमारे खिलाफ जाने के लिए भड़काता रहता था। हमने रूपाली को पैसे नहीं दिए, लेकिन पापा ने उसके नाम पर एक एफडी की थी, शायद उसी एफडी से उसने पार्लर में इन्वेस्ट किया था। वो बहुत खुश थी सर, लेकिन उसके सपनों के साथ साथ उसे भी स्वाहा कर दिया। सर ये रूपाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला घोंट के की गई और हत्या के बाद उसकी बॉडी को जलाया भी गया। यानी कि क्रिमिनल ने रूपाली की लाश को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। ये हत्या का समय क्या रहा होगा? सर हत्या का समय 19 मार्च की रात 8 से 9 बजे के बीच, और रूपाली का फोन उस रात 8:15 बजे उसी एरिया में बंद हुआ जहां पर हमें उसकी लाश मिली। वो रूपाली के ससुराल वालों के कॉल रिकॉर्ड से कोई क्लू मिला? सर कॉल रिकॉर्ड्स क्राइम लोकेशन से मैच नहीं होते सर, और सर किशन के पर्सनल कॉल रिकॉर्ड्स और उसके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि किशन की जिंदगी में शादी के पहले या शादी के बाद रूपाली के अलावा और भी कोई लड़की आई होगी। किसी को हायर करके रूपाली को मारने के क्या चांसेस लगते हैं? सर उनके कॉल रिकॉर्ड्स में फिलहाल कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन सर इनके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, क्योंकि सब लोग रूपाली के ससुराल वालों पे शक जता रहे हैं। शर्मा रूपाली 19 मार्च को अपने ससुराल कृष्णा नगर से शास्त्री नगर में अपने सलून के इनॉग्रेशन के लिए गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जरूर आइएगा आप सब भी। विटनेसेस के मुताबिक सारा दिन वो अपने सलून में सलून बंद होने तक रही, यानी कि रात 8 बजे तक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली की हत्या 8 से 9 बजे के बीच हुई और उसका फोन 8:15 बजे बंद हुआ। अगर इस वक्त वो रूपाली की हत्या का समय माने तो रूपाली के साथ जो कुछ भी हुआ सैलून से निकलने के बाद ससुराल पहुंचने से पहले इन्हीं 15 मिनट के दौरान हुआ। अब उन 15 मिनट के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कोई एविडेंस तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए उस क्रिमिनल को ढूंढना बहुत जरूरी है जिसने रूपाली को गला दबाकर मार डाला और फिर उसकी लाश को जला दिया। हमारे सस्पेक्ट रूपाली के ससुराल वाले हैं, लेकिन शर्मा इस हत्या में कोई तीसरा आदमी भी शामिल हो सकता है जिसने रूपाली और रूपाली के ससुराल वालों के खराब रिश्ते को अपने क्राइम की ढाल बना के रूपाली को मार डाला हो, और अब वो बैठा ये सोच रहा होगा कि इस हत्या का शक रूपाली के ससुराल वालों पर जाएगा। शर्मा हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दायरे को और बढ़ाना होगा, रूपाली की जिंदगी में और गहराई से उतरना होगा, जानना होगा रूपाली की जिंदगी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास रूपाली को मारने का मोटिव हो सकता है। ये रूपाली के कॉल रिकॉर्ड्स बैंक डिटेल्स हर उस एंगल को खंगाल डालो जिसका ताल्लुक रूपाली के मर्डर से हो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कर रही थी कि इस हत्या को वहीं अंजाम दिया गया था जहां से लाश बरामद की गई थी, और पोस्टमार्टम के बाद रूपाली की लाश को उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। संजय रूपाली हमारी पत्नी थी, भले ही पुलिस ने तुम्हें उसकी बॉडी सौंप दी, अंतिम संस्कार करने का हक हमारा है। इसे बीबी होने का हक तो तुमने दिया नहीं, और अब आगे ढोंग करने के लिए नहीं मारा हमने रूपाली को, हाथ जोड़ते तुम्हारे प्लीज हम पे और हमारे परिवार पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ, रूपाली का अंतिम संस्कार हम करेंगे। हट जाओ वरना तुम्हें भी यही फूंक देंगे हम। ठीक है तो ठीक है, लगाओ आग, हम और हमारी रूपाली साथ में चलेंगे। संजय नहीं दे दे। माँ मैं कह रही हूँ दे दे से। सर रूपाली के ससुराल और मायके के आसपास पूछताछ करने के बाद रूपाली मर्डर केस में एक एंगल सामने आया है। कैसा एंगल? रूपाली और किशन की शादी के बाद किशन की माँ रूपाली की माँ और भाई को अक्सर बेइज्जत किया करती थी, उन्हें ये कहकर ताने देती कि उन्हीं के कहने पर रूपाली ने आत्महत्या करने का नाटक किया था। अरे वाह, नौटंकी बाज बेटी की नौटंकी माँ यहाँ सब्जी खरीद रही है।
समधन जी आप क्या कह रही हैं? आइए ना, हम इत्मीनान से घर में बैठ के बात करते हैं। हम घर में बैठने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सबको बताएंगे। जब से तुमने अपनी बेटी को हमारी छाती पर बैठाया है, हमको कब्ज हो गई है। अपना पराया धन हमारे गले डालकर हमारी दौलत पर डाका डाल रहे हो तुम लोग। अरे बस कीजिए मौसी जी, बदतमीजी कर रही हैं आप। हम बदतमीजी कर रहे हैं? अरे शर्म और तमीज तो तुमने बेचाई है। पहले अपनी बहन को हमारे बेटे के साथ सुलाया है, और जब हमने शादी करने के लिए मना किया तो उससे आत्महत्या करने का नाटक कराया और हमको डराया। साहब, किशन के माँ ने उन्हें रोज रोज नीचा दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए संजय की शादी जिस लड़की से तय हुई थी ना, वो टूट गई। संजय की शादी होने वाली थी? जी सर, संजय के कॉलेज टाइम की एक गर्लफ्रेंड थी नम्रता, उसी से संजय की शादी होने वाली थी। रूपाली के ससुराल वालों की वजह से नम्रता और संजय का रिश्ता टूट गया था साहब, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि रूपाली के ससुराल वाले बोलते थे। हमने सुना है संजय और नम्रता एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ साहब, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन झगड़ों की वजह से नम्रता भी बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन आंटी, हमारे घर वालों को लगता है कि आपके और रूपाली के ससुराल वालों के झगड़े का असर हमारी मैरिड लाइफ पे भी पड़ेगा, इसलिए वो मना कर रहे हैं। देखो नम्रता, ऐसी बात नहीं है, जितनी रूपाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही तुम भी हो। प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करो। संजय, तुम रूपाली से क्यों नहीं बात करते? अगर वो अपने ससुराल में खुश नहीं है तो उनका वहाँ तलाक करके कहीं और शादी करवा दो, क्योंकि जब तक रूपाली खुश नहीं रहेगी तब तक आप दोनों खुश नहीं रहेंगे, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसलिए हमारे पापा कह रहे हैं कि जब तक ये रूपाली का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। प्लीज नम्रता। सब पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला है कि नम्रता की अब तक शादी नहीं हुई है। संजय से रिश्ता टूटने के बाद वो दो तीन रिश्ते और ठुकरा चुकी है। तो हो सकता है नम्रता रिश्ते इसलिए ठुकरा रही हो क्योंकि वो संजय से शादी करना चाहती है, और संजय और नम्रता का रिश्ता इस बात पर टिका था कि रूपाली और किशन की मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। शर्मा, कहीं ऐसा तो नहीं इस बात से नाराज होकर संजय और नम्रता दोनों ने मिलकर रूपाली को मार डाला हो? हाँ, रसगुल्ले तैयार है? हाँ। तो उसे भी लगवा दो। हेलो, क्या रूपाली का मर्डर हो गया? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मालूम, पर हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। मर्डर केस में हम हर उस इंसान को पूछताछ के लिए थाने में बुलाते हैं जो विक्टिम को अच्छी तरह से जानता हो और उससे जुड़ा हो। एक बात बताओ, रूपाली ने किशन से तलाक नहीं लिया, रूपाली ने कोई गलती की? जी सर, इंसान को इतना भी महान नहीं होना चाहिए कि जो इंसान दर्द दे, तकलीफ दे, उसी के नाम अपनी सांसें कर दे। तुम्हारी और संजय की शादी नहीं हो पाई, इस बात का दोषी भी तुम रूपाली को ही मानोगी? सर, आप हमसे जानना क्या चाहते हैं? यही कि अपनी इसी हताशा में कहीं तुमने रूपाली की हत्या तो नहीं कर दी? व्हाट सर, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला रूपाली को मार के हमें क्या मिलेगा? संजय, हो सकता है अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी और संजय की शादी के लिए राजी हो जाएं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, संजय और हमारा ब्रेकअप हुए सालों हो चुके हैं। लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की, इसीलिए ना, क्योंकि तुम संजय को भूल नहीं पाई हो। ये बात सच है सर कि हम संजय को भूल नहीं पाए, पर हमने रूपाली को नहीं मारा है, और ना ही रूपाली को मार के संजय हमें मिलता, क्योंकि संजय हमें भूल चुका है सर। और पिछले 6 महीने से ना संजय ने हमें कोई फोन किया है और ना हमने। तो पिछले 6 महीने से रूपाली के मर्डर की प्लानिंग चल रही थी, संजय को भी तुमने इसलिए फोन नहीं किया ताकि तुम दोनों के प्यार का एंगल रूपाली के मर्डर केस में कहीं सामने ना आ जाए। सर हमारा और संजय का कोई अफेयर नहीं चल रहा है अब, और ना ही रूपाली के मर्डर से हमारा कुछ लेना देना है, हमारे यकीन कीजिए सर। अरे चाय दे इनको, और वो समोसे जल्दी जल्दी निकलवा भिजवाने हैं। क्या बात है सर, आप यहाँ? तुमको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? क्यों? इतने सस्पेंस से मत देखो, सीक्रेट तुम भी जानते हो। सीक्रेट? ये क्या बोल रहे हैं आप? अब जो भी बोलेंगे थाने चल के बोलेंगे। अपने आप ही चलोगे या खींच के ले जाएं तुम्हें? नहीं, हम चलते हैं। चलो, ले चलो सर। एक मिनट, अरे वो समोसा भिजवा। सर माँ ने बताया था कि आप लोग उससे नम्रता के बारे में पूछ रहे थे,
कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमने नम्रता के साथ मिलकर रूपाली को मार डाला? माँ ने ही बताया था या नम्रता ने भी सब कुछ बता दिया? सर, नम्रता हमें क्यों बताएगी सर? हम तो नम्रता से पिछले 6 महीने से नहीं मिले। नम्रता तुम्हें नहीं मिल पाई, इसकी वजह भी तुम रूपाली को ही मानते हो ना? सर, हम रूपाली से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो किशन को तलाक नहीं दे रही थी और किशन के घर वाले हमें बेइज्जत करने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हमने उसे मार दिया। 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था तुमने? हाँ देखा था सर, लेकिन आधा ही देखा था। लेकिन सर, हम शास्त्री नगर नहीं गए जहाँ रूपाली का मर्डर हुआ था। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हमने उससे क्या क्या पूछा था, इसीलिए जवाब तैयार करके लाए हो? सर, आप चाहे तो हमारे फ़ोन की लोकेशन डिटेल निकलवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम उस दिन अपने मोहल्ले में ही थे सर। तो तुम्हें यह भी पता है कि हम कैसे काम करते हैं? सर, बेकार में शक कर रहे हैं आप हम पे। रूपाली हमारी बहन थी सर, ये उसके पिछले साल की राखी है जो आज तक हमने नहीं खोली है, और आप सोच रहे हैं कि हमने उसे मार दिया? तुमने नहीं मारा तो फिर नम्रता ने रूपाली को मारा? नम्रता का पता नहीं सर, लेकिन एक इंसान और था जो उसे बहुत नफरत करता था। कौन? ऋषिकेश। जब किशन के घर वालों ने रूपाली और किशन की शादी से मना कर दिया तो हमने और माँ ने उसकी शादी ऋषिकेश से करानी चाहिए, लेकिन रूपाली ने गुस्से में आकर ऋषिकेश की बहुत बेइज्जती कर दी सर। हमें जब किशन के अलावा किसी से शादी नहीं करनी तो चाहे धन्ना सेठ हो या राजकुमार, हमें नहीं देखना उसे। माँ समझाओ इसे, ऋषिकेश जी आकर के नीचे बैठे हुए हैं। तो भेज दो उसे, हम नहीं आएंगे बाहर। धीरे बात कर, सुन लेंगे वो। रूपाली, हमारी बात सुन बेटा, घर आए हुए मेहमान का इस तरह से अपमान नहीं करते। भैया के कहने पर एक बार मिल तो सही। एक बार ना? ठीक है। अरे रूपाली, रूपाली मेरी बात सुन, रूपाली मेरी बात सुन, रूपाली बेटा सुन। तो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? हमारे पास्ट के बारे में कुछ जानते भी हैं? रूपाली चलो, उनका मत देखिए, वो सच छिपाए होंगे। हम आपको बताते हैं, हम बचपन से किशन से प्यार करते हैं और उनको अपना मन ही नहीं तन भी सौंप चुके हैं। क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हो? रूपाली, संजय, अगर तुम्हारी बहन हमसे शादी नहीं करना चाहती तो हमको क्यों बुलाए? बेइज्जत करने के लिए? संजय ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था हमको, अभी पता चला है तुम दुखियारी नहीं, झांसी की रानी हो। जब सब जान ही चुके हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों? एक बात बताने के लिए, किशन से ज्यादा पैसे वाले हम, जो किशन तुमको दे सकता है वो सब हम दे सकते हैं। रूपाली, तू अपने आप को समझता क्या है बुड्ढे? अपने बाल तो संभाल नहीं सकता, चल निकल यहाँ से, वरना ऐसा हाल करेंगे कि विक के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ेगी। चल निकल। ऋषिकेश जी, हमारी बात सुनिए। देखिए ऋषिकेश जी, ये ऋषिकेश पांडे जी से मिलना है, उनसे बोलिए इंस्पेक्टर अवस्थी मिलना चाहते हैं। जी सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर अवस्थी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऋषिकेश। या वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई गेस आप लोग रूपाली मर्डर केस के सिलसिले में हमसे मिलने आए हैं। ये हवा में टिकती है या उड़ जाती है? मतलब ये आपका पैच? बड़ा अच्छा मजाक कर लेते आप। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। हम भी यहाँ मजाक करने नहीं, धंधा करने बैठे हैं। विजिटर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं, लेकिन आप लोग आए थे इसके लिए टाइम दे दिया ताकि आपको गलत फहमी ना हो हमारे बारे में। एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, ये रूपाली ने हमारे साथ जो किया वो 3 साल पहले की बात है। हम इतने सरफिरे नहीं कि 3 साल बाद उस बात का बदला ले। हमने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक नफरत पालते हुए देखा है। आप तो धंधा करने वाले हैं, धंधे का भी एक असूल होता है, काम गलत वक्त पे किया जाए तो नुकसान ही होता है। 3 साल तक बदला लेने का इंतजार किया आपने, रूपाली को तब मारा जब उसे मारने का मोटिव रखने वाले कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे आपसे ज्यादा शक जाएगा। अरे शक करना तो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने बारे में कह देते हैं हमने कुछ नहीं किया। रूपाली को मारने वाले कई सारे हो सकते हैं क्योंकि वो लड़की थी ऐसी। अरे जिस लड़के ने उसके साथ सब कुछ किया और उसको छोड़ दिया, उसी लड़के के साथ शादी की उसने, आखिर क्यों? क्यों ये रूपाली में हमको प्यार कम, सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी?
रूपाली ने आपसे क्या सौदा किया? सौदा तभी होता है जब चीज पसंद आ जाए। हम तो अपने उम्र से मात खा गए, धंधा करने बैठे हम, चेहरा देख के इंसान को पढ़ लेते हैं। रूपाली को एक बार मिले थे, पढ़ लिया था पहली बार में। आप लोगों ने तो अभी उसके बारे में जानना शुरू किया है। उसके गुजरने के बाद आप लोग क्या समझ पाओगे क्या चीज थी वो? सर ये आदमी है तो बड़ा शातिर, बात घुमाकर भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऑफिस, घर, मोबाइल सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो कहीं से रूपाली को मारने के लिए किसी को हायर तो नहीं किया था। सर, रूपाली के भाई संजय के बाद ऋषिकेश से की गई पूछताछ से रूपाली की शख्सियत के कई नए पहलू सामने आए, लेकिन अब तक जिन्हें सस्पेक्ट समझा जा रहा था उनके खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। सर इन सबके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सर जब मैंने रूपाली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके अकाउंट में इस वक्त 1,27,000 रुपए हैं, और उसकी हत्या से पहले उसके अकाउंट से कोई बड़ा विड्रॉल भी नहीं हुआ। सर एक बात और, रूपाली ने अपनी 1.5 लाख की एफडी का अकाउंट अभी 6 महीने पहले क्लोज किया था। विद इंटरेस्ट उसने वहां से करीब 2 लाख रुपए विड्रॉ किया था। पार्लर खोलने का प्लान 2 महीने पहले बना, तो फिर रूपाली ने 6 महीने पहले अपना एफडी अकाउंट क्यों क्लोज किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन पैसों को रूपाली ने अब तक रखा कहां पर होगा? सर हो सकता है रूपाली ने वो पैसे रेशमा के पास रखे हों, लेकिन रेशमा ने ये बात अभी तक हमें नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर, अगर रूपाली का कंट्रीब्यूशन उस पार्लर में 4 लाख रुपए का था और उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, तो बाकी के पैसे उसके पास आए कहां से? शर्मा, आई एम श्योर ये रेशमा जरूर इस बारे में कुछ जानती है जो हमसे छिपा रही है। मेरा फोन है ना? ऐसा तो नहीं रूपाली रेशमा और आदित्य को पार्लर में अपने हिस्से का पूरा पैसा ना दे पाई हो और रूपाली का मर्डर इसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से जुड़ा हो? हो सकता है सर, क्योंकि रूपाली और उनका पार्लर उसी एरिया में है जहां पर रेशमा और आदित्य रहते हैं, और रूपाली का मर्डर भी उसी एरिया में हुआ। और सर रूपाली की लाश हमें सर एक बात पता चली है, रूपाली की हत्या से 1 महीने पहले रूपाली का झगड़ा उनकी कॉलोनी के किसी प्लम्बर से हुआ था। बहुत पिटा था और उस दिन के बाद उसको काम देने में बंद कर दिया। जयेश का घर है ना ये? जी हाँ साहब। पांडे सर्च करो। साहब अब क्या किया हमारे बेटे ने? क्यों, जयेश रोज कोई नया कांड करता है क्या? नहीं साहब, ऐसा अंदर कोई नहीं मिला। कहाँ है जयेश? साहब वो काम पर गया हुआ है। कहाँ काम करता है वो? जयेश नाम है ना तेरा? हाँ साहब। चल साहब। अरे अरे साहब, काहे मार रहे हैं आप अबको? का गेम? अब तू खुद सोच क्यों मार रहे हैं तुझे? साहब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि रूपाली मैडम को हम मार दिए? बिल्कुल सही सोचा। अब बोल क्यों और कैसे मारा रूपाली को तुमने? हम नहीं मारे उनको, हम तो उस इलाके में जाने से भी डरते हैं साहब। रूपाली का मर्डर भी उसके इलाके में नहीं, शास्त्री नगर में हुआ था। शास्त्री नगर में हुआ हो या दुर्गा नगर में, मगर हम उनको नहीं मारे हैं साहब। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे नहीं नहीं साहब, नहीं 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 साहब, हमको मत मारिए, हम कुछ नहीं किए साहब। अगर आप हमको जेल में डाल दिए तो हमारी अम्मा रो रो के मर जाएगी। ज्यादा नौटंकी मत कर, सच क्या है बोल। नौटंकी नहीं कर रहा है साहब, माँ के साथ हम कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं किया। एक मिनट शर्मा, छोड़ दो इसे मेरे केबिन में लेके आओ। सर चल।
आराम से, आराम से। चल माना रूपाली को तूने नहीं मारा, लेकिन रूपाली ने तुझे मोहल्ले वालों से क्यों पिटवाया था? साहब, रूपाली मैडम को गलतफहमी हो गया था, हम ऐसा कुछ नहीं किए थे जैसा वो सोच ली थी। अच्छा, तू तो प्लम्बर है ना? जी साहब। तूने रूपाली के अड़ोस पड़ोस में सभी घरों में काम किया होगा? जी साहब। एक बात बता, रूपाली के घर के आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा था जिससे रूपाली की ना बनती हो या जो रूपाली को पसंद ना करता हो? साहब, इतना तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन रूपाली मैडम का दिमाग हमको कुछ गड़बड़ लगता था। मतलब एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। जाके देखते हैं तो रूपाली मैडम खुद ही को मार के खुद ही चिल्ला रही थी और हमको देखते ही रुक गई। और थोड़े दिन बाद हमको मोहल्ले वालों से पिटवा दिया। साहब, हमको एक और बात याद आया, वो रूपाली मैडम का दोस्त है ना, वो पार्लर फ्रेंड। कौन? रेशमा? जी साहब, उसका और रूपाली मैडम के भाई संजय का कुछ तो चक्कर है साहब। हम एक दो बार रूपाली मैडम के भाई को रेशमा मैडम के घर जाते देखे हैं। प्लम्बर जयेश के बयान ने पुलिस को एक नया एंगल दिया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। साथ साथ पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही थी कि कहीं रूपाली का मर्डर रूपाली, आदित्य और रेशमा के किसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से तो नहीं जुड़ा था। फिलहाल पुलिस इसका कोई सुराग तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन संजय और रेशमा के अफेयर के संकेत मिल गए। सर, संजय और रेशमा के अफेयर के ही नहीं, बल्कि रेशमा के एक पड़ोसी से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि उसने एक बार रूपाली और रेशमा को किसी बात पर झगड़ते हुए भी देखा था। ये संजय और रेशमा दोनों को लेके आओ, फिर देखते हैं रूपाली के मर्डर केस में इन दोनों के अफेयर का क्या कनेक्शन हो सकता है। सर, ले चलो सर, चलो। रेशमा, पुलिस आई है। पुलिस? सर, नम्रता से ब्रेकअप के बाद हम और रेशमा नज़दीक आ गए थे, लेकिन सर हमारे रिलेशन का रूपाली के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर, रूपाली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? बोलोगे या बुलवाएं? हाँ सर, पता चल गया था उसे, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई थी। रेशमा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने पति को भी धोखा दे रही हो और हमारे भैया को भी। देख रूपाली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेशमा से प्यार करते हैं। संजय, रूपाली को समझाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेगी। देख रूपाली, रेशमा तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने हमारे भैया के साथ ये रिश्ता खत्म नहीं किया ना, तो हम तुम्हारे पति से कह देंगे कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। सुनो रूपाली, मेरी बात सुनो रूपाली। अरे सर, रूपाली ने मना किया था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। तुम दोनों ने मिलना बंद कर दिया या रूपाली को रास्ते से ही हटा दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें सब पता है कि रूपाली के मर्डर के बाद तुम दोनों एक दूसरे के टच में थे। सर, रूपाली के मरने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे सर, इसलिए आपस में अपना दुख बांट रहे थे। अच्छा सर, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर रूपाली को हमसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप में पार्लर क्यों खोलती? क्या पता तुम उस वक्त रूपाली को बेवकूफ बना रही थी। एक बात बताओ, रूपाली ने तुम्हें पार्लर में इन्वेस्ट करने के लिए अपने हिस्से का पैसा दिया भी था या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? नहीं सर, रूपाली ने खुद हमें 4 लाख रुपए कैश दिए थे। रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? संजय, कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली के ब्याह पे तुमने पार्लर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? हम सर, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे इन्वेस्ट कर? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? सर, हम सच कह रहे हैं, रूपाली ने खुद हमें पैसे दिए थे,
आप चाहें तो आदित्य से पूछ सकते हैं। छह महीने पहले एफडी तोड़वाकर भी रूपाली के हाथ में सिर्फ 2 लाख रुपए होंगे। अगर रूपाली ने अपने हिस्से का पूरा 4 लाख रुपए दिया तो अब सवाल यह उठता है कि बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हें याद है शर्मा, ऋषिकेश ने रूपाली के बारे में क्या कहा था? ये रूपाली में हमको प्यार कम सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशमा ने रूपाली से बिना पैसे लिए उसे अपने सैलून में पार्टनर बना लिया और रूपाली से यह शर्त रखी कि वो आदित्य से संजय और रेशमा के रिश्ते के बारे में ना बताए और आदित्य को दिखाने के लिए वो पैसे संजय ने दिए हों। लेकिन सर, जिस लड़की के संस्कार ऐसे हों कि अपने ससुराल वालों का जुर्म सहने के बाद भी अपने पति को तलाक ना दे, वो लड़की ऐसा करेगी? शर्मा, तुम भूल रहे हो कि किशन की मां ने रूपाली के सुसाइड अटेम्प्ट को एक नाटक माना था। हो सकता है रूपाली का सुसाइड अटेम्प्ट करना किशन के परिवार वालों को ब्लैकमेल करने की साजिश हो। जयेश ने भी तो बोला था कि उसने रूपाली को खुद को पीट पीट कर चिल्लाते हुए देखा था। एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। जाके देखते हैं तो रूपाली मैडम खुद ही को मार के खुद ही चिल्ला रही थी। तो सर, आप कहना चाह रहे हैं कि रूपाली के ससुराल वाले रूपाली को टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि रूपाली पूरी दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा हो सकता है शर्मा, शायद ही आज के जमाने में कोई लड़की ऐसी होगी जो अपने ससुराल वालों का इतना टॉर्चर सहकर तलाक न लेना चाहे। रूपाली को कैसे मारा, क्यों मारा, किसने मारा, ये जानने के लिए हमें रूपाली को अच्छे से समझना होगा, तभी रूपाली के मर्डर की कहानी साफ हो पाएगी। रूपाली की जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दे ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर रूपाली 3 साल से किशन और उसके माता पिता की हिंसा का शिकार हो रही थी तो ऐसा कौन सा राज था, ऐसी कौन सी वजह थी कि रूपाली किशन से तलाक नहीं लेना चाहती थी। ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या किशन से शादी करने के लिए रूपाली ने वाकई में आत्महत्या का नाटक किया था। इस शक की पुष्टि करने के लिए पुलिस उस डॉक्टर से मिली जिसने आत्महत्या की कोशिश के बाद रूपाली का ट्रीटमेंट किया था। हाँ सर, उस दिन जब रूपाली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो मैंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। सर, मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन उसके भाई और उसकी माँ उसे मेरे हॉस्पिटल लेकर आए थे। रूपाली, 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 ए, रूपाली, आंखें खोलना। रूपाली, मेरा बच्चा। लेकिन रूपाली, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रूपाली, रूपाली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, रूपाली के घर से आपका हॉस्पिटल करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पे है, रूपाली ने ऐसी कितनी नींद की गोलियां खा ली होंगी जिसके बावजूद आपने उसे सेफली बचा लिया? सर, इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रूपाली का भाई मुझसे बता रहा था कि रूपाली ने पूरी बॉटल नींद की गोलियां खाई हैं सर। लेकिन जब उसे मेरे पास लाया गया था तो रूपाली की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी। सर, मुझे नहीं लगता 7-8 गोलियों से ज़्यादा खाई होंगी। सर, हमने जब रूपाली को देखा उसके हाथों में नींद की गोलियों की खाली बॉटल थी, हमें लगा सर कि उसने सारी गोलियां खा ली हैं, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी सर। अच्छा, उस दिन जो कुछ भी हुआ जरा डिटेल से हमें बताइए। साहब, हम बाहर झाड़ू लगा रहे थे। रूपाली, रूपाली, अरे बेटा तू रो क्यों रही है? रूपाली, अरे रूपाली सुन, रूपाली सुन, रूपाली सुन तो सही, अरे बेटा सुन, रूपाली, रूपाली, रूपाली दरवाजा खोल, रूपाली। सर, हम काम से वापस आ रहे थे तब तक हमारी माँ का फोन आया, हम जैसे ही घर पहुंचे दरवाजा खोला तब तक वो गोलियां खा चुकी थी। रूपाली, रूपाली। सुजाता जी के फोन करने के बाद तुम कितनी देर में घर आए? 10-15 मिनट में आ गए थे सर। और घर से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? वही कोई 15-20 मिनट। शर्मा, उस दिन हुआ ये होगा कि रूपाली ने कमरा बंद तो कर लिया लेकिन कमरा बंद करते ही नींद की गोलियां नहीं खाई होंगी। क्यों सर? क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी, आत्महत्या करने का नाटक कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं सर। सुजाता जी ने जब संजय को फोन किया होगा, रूपाली यहाँ दरवाजे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही होगी। संजय, संजय तू जल्दी घर आ जा बेटा, रूपाली ने अपने आप को बंद कर लिया है कमरे में। बेटा जल्दी आ, जल्दी आ जा। रूपाली ने संजय के घर आने का इंतजार किया होगा। क्या हुआ? रूपाली, उसने नींद की गोलियों की शीशी में से कोई 6-8 गोलियां अपने हाथ में रखी होगी और बाकी गोलियां फेंक दी होंगी। उसने वो 6-8 गोलियां खाई होंगी क्योंकि रूपाली ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसको आसानी से बचा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर,
रूपाली किशन और उसके घर वाले के दिए धोखे से बहुत हर्ट थी। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। रूपाली नाटक कर रही थी या नहीं कर रही थी ये तो रूपाली ही जानती थी। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग भी इस नाटक में शामिल थे? आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। और आप क्यों चुप हैं? साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने जो देखा हमने वही बताया है। कई बार आंखों का देखा भी नजरों का धोखा हो जाता है। सर, माना रूपाली का आत्महत्या करना उसकी साजिश रही होगी, लेकिन हत्या तो रूपाली की हुई है। अगर हम ये भी मान लें कि उसकी साजिश में रूपाली की माँ और भाई दोनों शामिल रहे होंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि रूपाली के मर्डर में उनका क्या मोटिव हो सकता है। लेकिन शर्मा, रूपाली की हत्या का मोटिव तो कई लोगों के पास था, और सबसे बड़े सस्पेक्ट तो खुद उसके ससुराल वाले हैं। अब जानना यह है कि रूपाली अपने ससुराल वालों की ज्यादतियों का शिकार थी या उसके ससुराल वाले रूपाली की ज्यादतियों का शिकार थे। क्या हुआ? आप लोग तो एकदम खामोश हो गए। बोलिए। अब क्या कहें साहब? हम जानते हैं कि हम कुछ भी कहेंगे, शक आप हम पर ही करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का है? सर, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन रूपाली ने दुनिया के सामने हमारी ऐसी छवि बना दी थी, उससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था साहब। गलत वो खुद थी, लेकिन दुनिया ये समझती थी कि हम उस पर ज्यादती करते हैं। और आप भी तो कुछ बोलिए किशन। हम क्या बोले सर, लेकिन एक बात फ्रेंकली बताएंगे, पहले हम रूपाली को गलत नहीं समझते थे। जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी रूपाली के बजाय किसी और से करवानी चाहिए, हमें बहुत दुख हुआ। हम अपने एंड से अपने पेरेंट्स को समझा रहे थे, लेकिन रूपाली हमें ही गलत समझ रही थी। और जब उसने वो आत्महत्या की कोशिश की, सबसे ज्यादा हमने अपने आप को कोसा है सर। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसा मत बोलो, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही रूपाली हमारी बीवी बनके हमारे घर में आई, उसके तेवर ही बदल गए। किशन, हमने कहा था ना, तुम चाहे जो कर लो, हमें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाओगे। भूल जाओ पुरानी बातें, ना हमारी याददाश्त इतनी कच्ची है और ना हम तुम्हारी तरह डरपोक हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने हमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम हमसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि तुम्हें डर था कि हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जिस तरह तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमें तड़पाया है ना, ठीक उसी तरह हम भी तुम्हें तड़पने पे मजबूर कर देंगे। उठाओ अपना तकिया और नीचे जाके सो जाओ। हम तो दंगी रह गए सर, यकीन ही नहीं हुआ कि वही रूपाली है जिसे हम प्यार करते थे। साहब, वो लड़की दुल्हन का जोड़ा नहीं, कफन बांध कर आई थी सर पर। हमारी जिंदगी तो उसने नर्क से पत्थर कर दी थी साहब। एक चाय देना। चाय देना? चाय वाली समझियो हमें? और ये क्या पहन रखा है तुमने? बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तुमको? बेशरम हम नहीं, तुम लोगों। क्या बोला था मेरी माँ को? हम लोग तुम्हारे काबिल नहीं। बड़ा गुरूर था ना अपने बेटे की कमाई पर अब तुम्हारा बेटा हमारा है तो ये घर किसका हुआ? हमारा। तो आज से यहाँ पे हमारा हुक्म चलेगा। रूपाली, तुम अपने हद पार कर रही हो। हद से ज्यादा प्यार करते थे तुमसे और तुमने क्या किया? हमारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। हे लड़की, तूने मेरे बेटे से शादी कर तो ली है, लेकिन एक बात याद रखना, ना तू मेरे किशन की बीवी बन सकती है, ना इस घर की बहू। चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। बच
रूपाली प्लीज। इस लड़की ने हमें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था साहब। अब दुनिया को लगता था कि हम उसे मारते पीटते हैं। हकीकत ये नहीं थी साहब, हकीकत ये थी कि वो लड़की हमें बिन मारे जख्म में जख्म दे रही थी। हमारी आप बीती कोई नहीं जानता साहब। वो लड़की पड़ोस से लेकर पार्लर तक बड़ी ही चालाकी से हमारे खिलाफ जहर उगल रही थी। सर मानते हैं, गुस्से में माँ अपना आपा खो बैठी थी और रूपाली को पार्लर जाने से रुका था, तो उसने क्या किया, घर से पैसे चुराए और पार्लर खोल दिया। मतलब पार्लर खोलने के लिए रूपाली ने घर से पैसे चुराए थे। अब सब हुआ तो यही था, पर हमने आपको कुछ बताया नहीं था। उसने पार्लर खोलने के लिए घर से 2 लाख रुपए चुराए थे। पार्लर खोलने के एक दिन पहले हद कर दी उसने, घर का सारा नगद और सारा जेवर गायब कर दिया उसने। सब मिलाकर करीब 10 लाख होगा। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि आप लोग समझेंगे कि हमने उसको मार दिया, क्योंकि उसने चोरी की थी। सर जो भी किशन के घर वालों ने बोला, उससे तो इनका रूपाली को मारने का मोटिव और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि रूपाली इनके गले की हड्डी बन गई थी, जो ना तो इनसे उगली जा रही थी और ना ही निकली। कह तो तुम सही रहे हो शर्मा, लेकिन अगर इन लोगों ने रूपाली को नहीं मारा तो वो गहने और नकदी कहाँ गए जो रूपाली ने पार्लर के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले घर से गायब किए थे? सर हम पहले भी कह चुके हैं, रूपाली ने हमें कोई पैसे दिए ही नहीं रखने के लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, गहने भी चुराए थे रूपाली ने अपने ससुराल से। चुराए थे? सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं है, इतने पैसे और गहने देखकर नियत खराब हो गई। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है सर कि पैसे के लिए अपनी दोस्त को ही मार दें। रूपाली की सास पहले भी इसी तरह से आरोप लगाती रहती थी उस पे। हम कह रहे हैं ना साहब, उसने चोरी नहीं की होगी, और फिर हम जेवर के बारे में आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? चलो मान लेते हैं रूपाली ने जेवर चोरी नहीं किए होंगे, लेकिन रूपाली के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? आपकी चुप्पी बता रही है या तो आप रूपाली की असलियत छुपा रही हैं, या फिर अभी तक रूपाली को आप समझ ही नहीं पाई। सुजाता बहन, सुना है बहन जी, रूपाली और किशन का रिश्ता टूट गया है। बड़े ही खराब लोग निकले, बेचारी रूपाली को ऐसे ही मझदार में छोड़ दिया। और नहीं तो क्या, बुरा ना मानना बहन, रूपाली के साथ किशन ने कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं ना? हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, जितना सलील उन्होंने हमें किया है ना, उससे ज्यादा सलील करेंगे उनको। हमें लगा था रूपाली जो भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है, हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में उन लोगों के साथ वैसा ही कर देगी। रूपाली की माँ का बयान इस शक को पुख्ता कर रहा था कि रूपाली किशन और उसके माता पिता से बदला लेने का मन बना चुकी थी। रूपाली की आत्महत्या को उसका नाटक, किशन से तलाक न लेने को उसके पतिव्रता होने का स्वांग, और अपने आप को घरेलू हिंसा की पीड़ित दिखाना उसकी साजिश समझा जाने लगा। इन सारी संभावनाओं के बीच ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर रूपाली की हत्या किसने की? और ये सवाल अब एक ऐसे सवाल को जन्म देने वाला था जो इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर अगर हम रूपाली के ससुराल वालों की बात को सच मान लें कि रूपाली ने अपने ससुराल से गहने और कैश चुराए थे, तो वो गहने और कैश गए कहाँ? क्योंकि रूपाली ने वो गहने ना तो अपने मायके में रखे और ना ही रेशमा को दिए। और सर रूपाली की हत्या भी लूट के इरादे से नहीं हुई, क्योंकि बॉडी पर उसके गहने और जेवर सब मौजूद थे। शर्मा ये भी तो हो सकता है कि ये भी रूपाली की कोई साजिश हो। रूपाली की साजिश? सर आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमें जो अज्जली लाश मिली उसकी शिनाख्त भी तो रूपाली की माँ और भाई ने ही की थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लाश रूपाली की ना हो। तो सर आप कहना चाहते हैं कि वो अज्जली लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी, और बॉडी पर रूपाली के गहने जेवर रखना एक साजिश थी? सर अगर ऐसा है तो वो लाश किसकी थी और रूपाली? शर्मा या तो रूपाली फरार है, या फिर उसने किसी को मार के षड्यंत्र रचा हो और ससुराल से चुराए हुए गहने और जेवर लेकर वो फरार हो गई हो। लेकिन सर उस लाश का तो अंतिम संस्कार हो चुका है, अगर वो लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी तो वो लाश किसकी थी ये कैसे पता चलेगा? शर्मा जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन के आगे पीछे की सभी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, और हाँ रूपाली की इस फ्रेंड रेशमा पे भी कड़ी नजर रखो,
मुझे लगता है रूपाली के इस प्लानिंग में रेशमा का भी हाथ है। और हाँ, ये रूपाली के भाई संजय को भी उठा के लाओ। इस लाश की शिनाख्त इसी ने की थी ना। देखते ही देखते रूपाली को विक्टिम से इस केस का प्राइम सस्पेक्ट समझा जाने लगा। लेकिन अगर रूपाली की हत्या नहीं हुई थी तो वो लाश किसकी थी जिस लाश को रूपाली की लाश समझा गया? और अगर रूपाली जिंदा थी तो वो अब तक कहाँ थी? एक तरफ पुलिस 19 मार्च की मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उस रात अगर रूपाली नहीं तो फिर किसकी हत्या हुई थी, और दूसरी तरफ रूपाली के भाई से ये पता लगाया जा रहा था कि रूपाली अब कहाँ थी। सर बता रहा हूँ सर, हमको सच में लगा था कि वो रूपाली की बॉडी है। सर हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं सर, और हमको तो ये भी नहीं लगता कि रूपाली ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे नहीं बोलेगा तू। सर संजय का बयान पुलिस की थ्योरी को खारिज कर रहा था कि रूपाली विक्टिम नहीं सस्पेक्ट है, लेकिन रेशमा के अचानक गायब होने की सूचना ने पुलिस थ्योरी को और भी स्ट्रांग बना दिया था। सर रेशमा का फोन बंद है। सर हमने उसे फोन नहीं किया था, और कल रात आपके जाने के बाद रेशमा यहाँ से चली गई थी। कुछ बता के नहीं गई, कहाँ जा रही है? सर जब से हमें रेशमा और संजय का रिलेशन पता चला हमने उसे बात करना छोड़ दिया। कल रात जब वो घर नहीं आए तब भी हमने उसे कॉल नहीं किया। वो छुपा तो नहीं रहे हमसे? सर आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। रेशमा तो हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसके गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन सच पूछे तो हम उसे समझ ही नहीं पाए। आदित्य हमसे गलती हो गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं आदित्य, प्लीज हमें माफ कर दो आदित्य प्लीज। सर अब तक तो हमें ये लग रहा था कि रेशमा संजय के साथ कल रात से होगी, लेकिन संजय तो सुबह हमारी कस्टडी में था। रेशमा संजय से मिलने गई थी या रूपाली के पास गई थी? रूपाली? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर, उसका तो मर्डर, रूपाली का मर्डर हुआ या किसी और का ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हमें ये पता लगा कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। देखिए सर हमें जो कुछ पता था हमने आपको बता दिया, और अब आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा पता करो ये रेशमा का फ़ोन किस लोकेशन पे बंद हुआ, कैसे भी करके इस रेशमा को ट्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है रेशमा के गायब होने का राज ये हो कि उस रात रूपाली नहीं किसी और का मर्डर हुआ हो, और इस मर्डर की साजिश में रूपाली और रेशमा इन दोनों का हाथ हो। सर रेशमा का गायब होना भले ही रूपाली से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जल्द ही एक सूचना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। ये जली हुई लाश उसी जगह मिली थी जहां वो लाश मिली थी जिसे पहले रूपाली की लाश समझा गया था। दोनों हत्याएं एक ही तरीके से की गई थी, लेकिन इस बार लाश के पास मिला मोबाइल फोन और गहने रेशमा के थे। लेकिन ये लाश क्या रेशमा की ही थी? सर इस मोबाइल में रेशमा का ही फोन नंबर का सेम है, रेशमा के पति आदित्य ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये तो रेशमा का है सर। उसका कहना ये भी है कि जो गहने और जेवर हमें बॉडी पर मिले हैं वो भी रेशमा के ही हैं। इस बॉडी को भी ठीक उसी तरह से जलाया गया है शर्मा जिसका मर्डर 19 मार्च की रात को हुआ था, जिसे बाद में रूपाली के रूप में शिनाख्त की गई थी। है। ये तो सर ये टैटू तो रेशमा के हाथों पर था सर। हालांकि लाश का डीएनए नहीं हुआ था, लेकिन बॉडी पर मिले टैटू से फिलहाल यही माना जा रहा था कि वो लाश रेशमा की ही थी। सर अगर ये बॉडी रेशमा की है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपाली ने रेशमा का मर्डर किया हो, क्योंकि रेशमा ही रूपाली का राज जानती थी। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा, लेकिन सबसे पहले ये कंफर्म होना जरूरी है कि 19 मार्च की रात को जिसकी हत्या हुई वो कौन थी। हेलो क्या नाम बताया? सुधा वशिष्ठ। ठीक है उसका एड्रेस एसएमएस कर दो। सुधा वशिष्ठ का नाम इस केस में एक टर्निंग पॉइंट की तरह से आया था। सुधा वशिष्ठ वो महिला थी जो 19 मार्च की उस रात से लापता थी जिस रात वो हत्या हुई और जिसकी लाश को रूपाली की लाश समझा गया। पुलिस अब सुधा वशिष्ठ के लापता होने का राज जानना चाहती थी। जी सर। पिछले एक हफ्ते से सुधा के लिए परेशान हूँ साहब, इतनी छोटी सी बच्ची है इसको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। सुधा
19 मार्च को जब आप घर से ऑफिस के लिए निकले तब सुधा और बच्ची घर पर थी जी। जब सुधा गायब हुई तब बच्ची कहाँ पर थी? यही पड़ोस में, थोड़ी दूर पर एक आंटी का घर है। दरअसल सुधा भी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करती थी। और वो कंपनी कहाँ पर है? जी हरिनगर में। जिस जगह बच्चे को छोड़ते हो वो घर कहाँ पर है? यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है। उस दिन सुधा ने बच्ची को वहाँ आंटी के घर पर छोड़ा और फिर हरिनगर गई जहाँ पर वो जॉब करती थी। वहाँ के सुपरवाइजर ने बोला कि सुधा 19 मार्च की शाम को 7 बजे ही चली गई थी। सुधा जब भी ऑफिस से छूटती थी तो पहले आंटी के घर जाती थी, बच्ची को लेती थी, फिर यहाँ आती थी। लेकिन उस दिन ना वो आंटी के घर पहुँची और ना ही अपने घर। इन दोनों को पहचानते हो? नहीं सर। सुधा के साथ इन्हें कभी देखा हो? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनको। 19 मार्च की रात शास्त्री नगर में एक हत्या हुई थी। आपकी बीवी हरिनगर में काम करती थी और हरिनगर से शास्त्री नगर कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं। ये वो फोटोग्राफ है जो हमें शास्त्री नगर से डेड बॉडी मिली थी। क्या ये सुधा हो सकती है? नहीं साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरी बीवी को कोई क्यों मारेगा? उसकी तो ना किसी से दुश्मनी है और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। अच्छा, आप हमें उस जगह का पता दीजिए जहाँ सुधा काम करती है और उस जगह का भी जहाँ आप इस बच्ची को छोड़ा करते हैं। जी साहब। क्या सुधा रूपाली की साजिश का शिकार थी या फिर रूपाली खुद किसी साजिश का शिकार थी? और इन संभावनाओं में ये सवाल उठना भी लाजमी था कि हत्या वाकई सुधा की हुई थी या रूपाली की? गायब सुधा थी या फिर रूपाली? आखिर कौन था अपराधी और कौन था पीड़ित? सर, माना सुधा 19 मार्च को उसी शाम लापता हुई जिस रात शास्त्री नगर में वो मर्डर हुआ और जिसकी लाश को रूपाली समझा गया। लेकिन सर, हो सकता है वो लाश सुधा की हो? हो सकता है। लेकिन सर, अगर रूपाली लापता भी है तो उस केस में हमारे पास अभी कोई लीड नहीं है। शर्मा, लीड तो ढूंढनी पड़ेगी। हरिनगर चलते हैं जहाँ सुधा काम किया करती थी, शायद कुछ हाथ लगे। सर, आप बोलो पांडे। सर, रेशमा का फोन कल रात 11 बजे शास्त्री नगर में बंद हुआ, जहाँ उसका घर भी है और पार्लर भी। उसकी बॉडी भी हमें शास्त्री नगर में ही मिली थी। क्या उसके कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर है जो सस्पिशियस हो, जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिले? सर, ऐसा कोई नंबर तो नहीं मिला, लेकिन उसके फोन से कल रात आखिरी कॉल हुआ रूपाली के भाई संजय को। रेशमा का पति आदित्य बोल रहा था कि रेशमा कल रात घर से निकल गई थी। उसने ये शक भी जताया था कि रेशमा संजय के पास गई थी। ये रेशमा के पति आदित्य और संजय दोनों पे नजर रखो, दोनों की कल रात की एक्टिविटीज पता करो। ओके सर। हाँ सर, सुधा 19 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ आई थी और शाम को 7 बजे चली गई। ये देखिए, उसके एंट्री और एग्जिट के साइन भी है। सुधा के पति के बयान के मुताबिक सुधा फैक्ट्री से निकल के सबसे पहले अपने बच्चे को यहाँ इस घर से लिया करती थी, उसके बाद वो अपने घर जाती थी। जिस दिन सुधा के साथ ये हादसा हुआ उस दिन सुधा फैक्ट्री से निकली तो सही, लेकिन इस घर तक नहीं पहुंची। यानी कि सुधा के साथ वो हादसा इस फैक्ट्री और इस घर के बीच में ही कहीं हुआ। और सर, उस दिन 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की वजह से रास्तों पर चहल पहल कम थी। सर, हो सकता है ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो। शर्मा, एक काम करो, पता करो ये फैक्ट्री और घर के बीच में कहां कहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। आई एम श्योर किसी न किसी सीसीटीवी में तो फुटेज जरूर कैप्चर हुई होगी, जिससे हमें सुधा मिसिंग केस और रूपाली मर्डर केस में लीड मिलेगी। सर, पुलिस इन संभावनाओं को पुख्ता कर रही थी कि कहीं सुधा के लापता होने का कनेक्शन 19 मार्च की रात हुई उस हत्या से तो नहीं जिसे पहले रूपाली की लाश समझा गया। हालांकि रूपाली की फिलहाल कोई लीड पुलिस को नहीं मिली थी, लेकिन रूपाली के भाई संजय और रेशमा के पति आदित्य पर नजर रखी जा रही थी और जल्द ही पुलिस को आदित्य से जुड़ी एक जानकारी मिली। सर, जिस रात रेशमा का फोन बंद हुआ उसी रात आदित्य के फोन से उसके दोस्त विनय को फोन किया गया था, और जब मैंने विनय से पूछताछ की तो उसने बताया कि आदित्य ने उससे उसकी कार मांगी थी जो उसने अगली सुबह लौटाई। सर, हो सकता है कि सर, कई दिनों से आदित्य हर शाम एक बार में जाता है और जिस रात रेशमा गायब हुई थी उस रात तो उसी बार से नशे में बाहर निकला था। तेरा झूठ पकड़ा गया। उस रात 10 बजे तू शराब के नशे में दूध बार से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। रेशमा उस वक्त घर पे थी। गुस्से में तेरे हाथों रेशमा का कत्ल हो गया और उसकी बॉडी को डंप करने के लिए तूने अपने दोस्त विनय से कार मांगी जो अगले दिन तूने सुबह लौटाई। क्यों, अब तो खुद बोलेगा या हम तेरे से बुलवाएं? हाँ सर, हमने उसका मर्डर किया। वो हमसे बोली थी कि उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है, पर हमें यकीन नहीं हुआ और उस रात जब हम घर पहुंचे। लेकिन संजय, पुलिस तो कह रही थी कि रूपाली ने अपने ससुराल से 10 लाख की ज्वेलरी और कैश चुराया है। सच बोल संजय,
तुझे पता है ना रूपाली कहाँ है? संजय, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। तुम्हारा और संजय का याराना अभी तक चल रहा है? आदित्य, हम उससे किसी और बारे में बात। चुप! कमी नहीं, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है? और तुम हमें धोखे पर धोखे दिए जा रही हो? आदित्य, क्या करे, छोड़ो हमें। तुमने अपने पति को धोखा दिया। धोखे पर धोखे दिए तुमने। धोखे बाज। अब नशे में अपना आपा खो बैठे और हमने उसका मर्डर कर दिया। उसका मरा हुआ मुंह देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तभी हमने अपने दोस्त को फोन किया और उसकी गाड़ी लेकर घर आ गए और रेशमा की लाश ठिकाने लगा दी। हमने रेशमा की बॉडी उसी तरह जला दी जैसे रूपाली की बॉडी जलाई गई थी। तो तेरे कहने का मतलब है कि 19 मार्च की रात को जो बॉडी जलाई गई वो रूपाली की थी? नहीं सर, वो बॉडी किसकी थी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी देखकर सभी कह रहे थे कि वो रूपाली की बॉडी है। लेकिन सबसे पहले उस बॉडी को तूने और रेशमा ने ही देखा था, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर रूपाली का कत्ल कर दिया? नहीं सर, देखिए सर, हम मानते कि हमने रेशमा का मर्डर किया पर हमने रूपाली का मर्डर नहीं किया। पर हमें लगता है कि संजय रूपाली के बारे में कुछ जानता है। उस रात भी रेशमा संजय को रूपाली के बारे में कुछ पूछ रही थी। सर, रेशमा को ऐसा लगता है कि हमें पता है कि रूपाली का है, लेकिन हमें नहीं पता सर कि रूपाली का है। हमें तो यह भी नहीं पता कि किसका मर्डर हुआ। पांडे सर, इसे तब तक मारते रहो जब तक यह सच ना बोले। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। संजय सच बोल रहा था यह अब भी साफ नहीं था, और यह भी अब तक राज बना हुआ था कि रूपाली अब कहां थी। और तभी पुलिस को सुधा से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली। 19 मार्च की शाम सुधा को किडनैप किया गया था और उस किडनैपिंग की फुटेज एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी जो इसमें। किडनैपर ने अपना मुंह छुपा रखा है। पॉज करना, जूम करो उसको। वैन का नंबर भी नहीं दिख रहा। ग्रे कलर की वैन है शर्मा, जिसके पीछे टाइगर का स्टिकर लगा है। शर्मा, पता लगाने की कोशिश करो उस एरिया के किसी और सीसीटीवी में शायद ये कैप्चर हुई हो। और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आखिर उस वैन के नंबर का पता लगा लिया और उस एड्रेस पर पहुंची जिस एड्रेस पर वो वैन रजिस्टर्ड थी। सर, हमने किसी का किडनैप नहीं किया है। 19 मार्च की रात इसी वैन में किडनैपिंग हुई थी, सीसीटीवी फुटेज आया हमारे पास। 19 मार्च को सर हम 5 बजे घर जल्दी चले गए थे, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। लेकिन हाँ, हमारा दोस्त हमसे वैन लेकर गया था। कौन दोस्त? जयेश नाम है सर उसका। जयेश वो प्लम्बर? हाँ सर, जयेश प्लम्बर। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? अम्मा बहुत है जरूरी काम। आके बताए। अरे बेटा, मेरी बात तो ये तो बता के जा कि क्या जरूरी काम है। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। अरे क्यों मारा सुधा को? बोल! आपको पैसा दिया था साहब। किसने दिया था पैसा? वो साहब, लेकिन बात क्या बताएंगे? ये लो पकड़ो। बोलो साहब,
कैसे और कब कहां आपकी बीवी खत्म कर दें? ऐसे नहीं मारना है, जिसे तुम भी पकड़े जाओ और हम भी पकड़े जाए। तो ठीक है, आप बताओ कैसे क्या करना है, कब करना है। वो लोग हमको ऐसा लाश का इंतजाम करने के लिए पैसा दिया जिसका रंग रूप कद काठी सब रूपाली मैडम से मिलता हो। तब हम और ही मिलके खूब छानबीन किया तो एक दिन हमको सुधा दी। साहब, उन लोगों ने सुधा को इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन उठाने के लिए कहा था, क्योंकि उसी रात किशन अपनी बीवी को खत्म करने वाला था। साहब, गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं सर। कपड़े बदले दोनों के, फटाफट है हम लोग निकलते हैं। सुधा को रूपाली के कपड़े पहना के जलाया और रूपाली को जंगल में गाड़ दिया। सब सुधा की बॉडी को रूपाली का बॉडी बताने की साजिश हम इसलिए किए क्योंकि हम जानते थे कि भले ही पहले शक आपका हम पर जाए, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि वो बॉडी रूपाली की नहीं है तो आपका शक रूपाली और उसके घर वालों पर जाता। यानी वो गहने और जेवर का चोरी होना झूठ था? हाँ सर, वो हम लोगों ने झूठ बोला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर कि रूपाली चोर नहीं थी। उसने पूरे 2 लाख रुपए घर से चुराए थे अपने पार्लर को खोलने के लिए। और ये भी झूठ नहीं है, उसने हम सब की जिंदगी नरक बना दी थी। सर, रूपाली को दुखियारी और पीड़ित समझने की भूल मत करिएगा। वो वैसी ही थी जैसा हम आपको बताए। उसने हमारा और हमारे परिवार वालों का जीवन नरक बना दिया था। सर, हम तंग आ गए थे रूपाली से। उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, गिड़गिड़ाए उसके सामने, पर वो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, बस करो ये बदले का खेल प्लीज। तुमको हमसे जितना पैसा चाहिए ना ले लो, बस तलाक दे दो हमको यार प्लीज। तलाक तो नहीं देंगे, पर अगर तुम यूं ही जिद करते रहे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल भिजवा देंगे। प्यार करते थे ना हमसे, तो जिंदगी भर तो झेलना ही पड़ेगा। सर, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी वो हमारे लिए और हमारे परिवार वालों के लिए, और इसीलिए उसे मारने के अलावा हमें और कोई सलूशन नहीं सूझा। सलूशन? सलूशन ना कभी गुस्से से निकलता है, ना किसी से डर के चुप हो जाने से, और ना ही कोई साजिश रच के। माना रूपाली ने जो भी किया वो गलत था, सुधा का क्या कसूर था? बदला लेने के लिए तुमने एक नन्ही सी बच्ची के सिर से मां का साया तक छीन लिया। अब करो अपने किए का पश्चाताप सारी जिंदगी।
दूसरों को तकलीफ देने और बदला लेने की बजाय अगर रूपाली अपने जीवन में आगे बढ़ गई होती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन रूपाली गलत थी ये कहकर गुप्ता परिवार को सही साबित नहीं किया जा सकता। एक जबरदस्ती की शादी, पर उससे बाहर निकलने के लिए गुप्ता परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलकर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन जुर्म उसका हल कभी नहीं हो सकता। याद रखें, क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबा के एक को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।